हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के जो भी मेरे काम होते हैं उन कामों में। तो ध्रुव और ध्रुव के पापा दोनों ही सोए हुए हैं और मैं इस टाइम कर रही थी अपना काम। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, झाड़ू वगैरह लगा कर यहाँ इस फ्लोर की सफाई करके मैं जाऊँगी ऊपर पापा जी वाले फ्लोर की सफाई करने। और नीचे फ्लोर की सफाई मैं करके आ चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैं नीचे फ्लोर की सफाई कर लेती हूँ फिर मैं जाती हूँ ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है पापा जी थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले सफाई कर देती हूँ फिर पापा जी के लिए चाय बनाती हूँ। और दीदी भी आई थी कल और दीदी भी अभी रुकी हैं, और देखते हैं आज का दिन कैसा है। अभी तो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है काम करने में, फिर हमारे मॉर्निंग के जो भी चीज़ें होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। और दीदी भी आई हैं तो भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि होता है ना जब शादी हो जाती है बेटी की तो उसके बाद थोड़ा घर खाली खाली सा लगता है, लेकिन जब वो वापस आती हैं चाहे वो थोड़े दिन ही रुकने के लिए आए तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। घर में सब लोग एक साथ होते हैं, घर भरा भरा लगता है, तो वही चीज़ हो रखी है। इस टाइम हमारे साथ दीदी घर आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरा पोछा भी लगने ही वाला है, पोछा वगैरह लगाकर मैं ब्रश वगैरह करूँगी और फिर मैं जाऊँगी ऊपर फ्लोर की सफाई करने। ब्रश वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है और अब मैं जाऊंगी ऊपर फ्लोर की सफाई करने। और उससे पहले मैं अपने रूम के गेट को बंद कर दूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है ध्रुव छोटा है, तो इसीलिए जब मेरे रूम की सफाई हो जाती है तो मैं उसके बाद कर देती हूँ अपने रूम को बंद, जिससे कि अगर ध्रुव उठता है तो उसके पापा उसको संभाल लेते हैं और वो कमरे से बाहर नहीं आता है। और यहाँ पर जब तक मेरा काम पूरा होता उससे पहले ही ध्रुव आज अपने आप से उठ गया था और वो रोता हुआ उठा था, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा प्यार कर रही हूँ, जिससे कि वो जब तक मैं उसको स्कूल जाने के लिए रेडी करूँ तो वो अच्छे से चुप हो जाए और खुशी खुशी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो। क्योंकि बच्चा है, अगर बच्चा रोता हुआ ही सारे काम करेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ध्रुव रोते हुए कोई भी काम ना करे। और यहाँ पर ध्रुव चुप हो गया था क्योंकि मैंने उसे दे दी थी जैली, क्योंकि उसे जैली बहुत पसंद है। तो अब ध्रुव नहाकर आ चुका है और मैं कर रही हूँ उसे स्कूल के लिए रेडी। और ध्रुव कर रहा था मुझसे बातें, उसके संग होता ही है जब स्कूल जाता है ना, वो कुछ कुछ बातें करता रहता है अपने स्कूल के फ्रेंडों की या घर की, कोई भी उसे बातें बस याद आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा है, बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है ना तो उसकी बातें हैं ना वो बहुत अलग होती हैं और बहुत अच्छी भी होती हैं, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बातें करने में। और सुबह सुबह तो ज़्यादा ही, क्योंकि उसका अगर मन अच्छा होता है ना तो बहुत खुश रहता है।
ध्रुव हो चुका है स्कूल जाने के लिए रेडी और मैं इसको शूज़ पहना दूंगी और शूज़ पहनाने के बाद मैं लेकर जाऊंगी उसे मम्मी जी के पास, क्योंकि ध्रुव को स्कूल लेकर जाती हैं मम्मी जी। और अब हम लोग जाएंगे नीचे। और ध्रुव है ना, सच बताऊँ बहुत ही अच्छा बच्चा है, वैसे तो बहुत शैतान है लेकिन उसमें एक आदत बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी ही किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ जाता है। वो स्कूल जाने के लिए सच बताऊँ एक ही दिन रोया है, ऐसा नहीं करा उसने कि वो कम से कम उसने हमें 5 से 10 दिन परेशान करा हो, वो एक दिन रोया था, उसके बाद वो आराम से खुशी खुशी स्कूल जाता है और हमें अच्छा भी लगता है बच्चा आराम से स्कूल जाता है, क्योंकि अगर बच्चा रोएगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा उसे स्कूल भेजने में। और आप लोगों को पता ही है दीदी भी घर आई हैं तो ध्रुव को लग रहा है और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि दीदी घर आ गई हैं तो वो उनसे बातें करता रहता है। और इस टाइम ध्रुव अपने स्कूल के बारे में बातें कर रहा था और उनसे दीदी से, और अब ध्रुव जा रहा था स्कूल और मैं कर रही थी पीछे से उसको बाय आज है हनुमान जयंती तो हमारे यहाँ पर निकाली जाती है हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारे यहाँ पर शोभा यात्रा कैसे निकाली जाती है हनुमान जयंती पे। और मुझे देखकर ना बहुत ही सुंदर लगता है, जब सभी लोग एक ही रंग में होते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर भगवान जी के भजन भी बजाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारे यहाँ की शोभा यात्रा। जयंती पर हमारे यहाँ पर शोभा यात्रा कैसी निकली, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अपने यहाँ की शोभा यात्रा बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारे यहाँ की शोभा यात्रा। और अब बज चुके हैं शाम के 4 और मैं बनाने लगी थी अपनी शाम की चाय, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।